हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट म्यूलिश पर। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको यूरोप का हार्ट ऑफ लंग्स भी कहा जाता है। और यहाँ की चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ पर 5 लाख महिलाएं बिना पुरुषों के रहती है। इस देश में बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक भी इसी देश में मौजूद है। और आपको बता दे कि ये ट्रक लगभग 500 टन तक वजन उठा सकता है। और इसी देश में आपको आलू की लगभग 200 से ज्यादा वैरायटीज खाने को मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में बसे हुए एक खूबसूरत और छोटे से देश के बारे में, और इस देश का नाम है बेलारूस। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको एक लाइक कर दे और हमारे साथ सफर के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बिताए शुरुआत कर लेते हैं सफर की ओर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये देश पूर्वी यूरोप में स्थित है और इसकी दोस्ती रशिया के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी पाई गई है। इस देश की संस्कृति और यहाँ का खाना पीना पूरी तरह से रशिया की ही तरह है। बात की जाए यहाँ की आबादी की तो इस देश में कुल 95,30,000 की जनसंख्या रहती है। ये देश 2,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस देश की 85% आबादी रशियन भाषा का इस्तेमाल करती है, लेकिन आपको बता दे कि यहाँ की आधिकारिक भाषा है बेलारूसियन। इस देश की राजधानी मिन्स्क शहर है और ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी होने का खिताब भी अपने पास रखती है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को बेलारूस रूबेल कहा जाता है, और अगर इसकी तुलना भारतीय रुपए में की जाए तो ये 2.45 रुपए के बराबर है। ये देश यूरोप के छोटे देशों में गिना जाता है, लेकिन आपको बता दे कि ये आबादी के मामले में पूरी दुनिया में 94 नंबर पर अपना स्थान बनाता है। इस देश में लगभग 20,600 नदियाँ बहती है, और आपको बता दे कि इनमें से 900 नदियाँ ऐसी है जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ पर मौजूद कोलास्क शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, और हैरानी की बात तो ये है कि इसको लगभग 2000 साल पहले स्थापित किया था। और क्या आप लोग जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बेलारूस की 25% आबादी खत्म हो गई थी, और यहाँ पर गिरे परमाणु बम का असर आज भी आपको रेडिएशंस के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, आपको बता दे कि इस देश की महिलाएं रशियन लड़कियों की ही तरह दिखाई देती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बेलारूस देश भी एक समय पर रशिया का ही एक हिस्सा था। इसलिए हम सबको बेलारूस की महिलाएं इतनी ज्यादा आकर्षित और सुंदर दिखाई देती है। और इसके साथ ही बेलारूस में आपको महिलाओं की गिनती पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा दिखाई देती है। इस देश की ज्यादातर आबादी खेतीबाड़ी पर ही निर्भर करती है, और आपको बता दे कि यहाँ की 70% आबादी ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसी एक्टिविटीज में शामिल है। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा समझदार पाए जाते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि बेलारूस को यूरोप के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शहरों में से माना जाता है। हमने आपको वीडियो की ही शुरुआत में बताया था कि इस देश में आपको आलू की 200 से ज्यादा वैरायटीज खाने को मिल जाएंगी। वेल दोस्तों, यहाँ का हर व्यक्ति आलू का दीवाना होता है, और यहीं पर आपको आलू खाने के साथ साथ उसकी खेती करते लोग भी दिखाई देंगे। साथ ही इस देश में आलू का इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है कि ये देश पूरी दुनिया भर में आलू का एक्सपोर्ट भी करता है। इस देश के नागरिक काफी ज्यादा अच्छे पाए जाते हैं। साथ ही ये लोग आने वाले सैलानियों को भी इनके परिवार की ही तरह महत्व देते हैं। कल आप सभी लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको बेलारूस का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। तो दोस्तों, ये था हमारा बेलारूस देश का एक अनोखा सफर। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि आप सबको आने वाले हमारी न्यू वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए सफर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, और हमारे साथ सफर के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।